सबसे पहले तो इस पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ का नाम क्या है बच्चों? मेरी किताब। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। माँ, बेटा माँ शब्द आप देख रहे हैं, माँ के ऊपर यह जो निशान है यह किस चीज का निशान है? यह है चंद्र बिंदु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब ये कौन सा चिन्ह है भाई? ये है पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब पूरा हो जाना। क्या पूरा हो गया? वाक्य पूरा हो गया। तो वाक्य के पूरा होने पर हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ओके बेटा, ठीक है। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां, यहां पर भी देखिए बेटा, हा के ऊपर चंद्र बिंदु है। ठीक है, इन सब बातों पर गौर करते जाइएगा। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। वह आंखें, अब आंखें में भी देखिए चंद्र बिंदु है ना, वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो बेटा यहाँ पर वो क्या कर रही है? पूछ रही है, तो प्रश्न पूछ रही है। तो प्रश्न के खत्म होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं कि प्रश्न का चिन्ह लगाते हैं? प्रश्न का चिन्ह लगाते हैं ना, तो ये है वो प्रश्न का चिन्ह। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? यहाँ पर देखिए फिर से प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न है तो प्रश्न का निशान है, प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, अब हम लोग आते हैं आगे। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई।